वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। आधार कार्ड हम सबकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की डेट में कोई भी तरह का ट्रांजैक्शंस होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो आधार कार्ड के बेसिस पे ही होते हैं और ये ट्रांजैक्शंस आपके कंसेंट से ही होते हैं। लेकिन कितने बार ट्रांजैक्शन आपके कंसेंट से हुए हैं कि नहीं और आधार कार्ड कौन सी जगह पे यूज़ किया गया है, वो भी आधार कार्ड आपके यूज़ किए गए ये वैलिड प्लेसेस पे यूज़ किया है कि नहीं, इसका ट्रैकिंग हम नहीं कर सकते थे पहले। लेकिन अभी UIDAI ने ये ऑप्शंस बिल्डअप किया है जहाँ पर आप आधार कार्ड कहाँ कहाँ पूरी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो कि आपकी आधार कार्ड कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने यूज़ किया, कहाँ कहाँ OTP दिया है, डेट के साथ आप टाइम भी चेक कर सकते हो। यही नहीं, आधार की हिस्ट्री के अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो अगर आपकी कोई अनऑथोराइज यूज़ हुई है, आधार कार्ड का OTP शेयर हुआ है, तो UIDAI ने वहाँ पे सर्विस सेंटर्स भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको कांटेक्ट करना है EPFO इंडिया, आपके हिस्ट्री में दिख रहा है कि आपने EPFO इंडिया में आपका OTP गया है एंड यू आर 100% श्योर कि ये OTP आपके कंसेंट से नहीं गया है, सो यू कैन आल्सो रेज इन क्वेरी, यू कैन आल्सो रेज इन क्वेरी टू EPFO इंडिया। सो उन्होंने वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी दिया है। सो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक जो आपके आधार कार्ड से वेरीफाई करती है और डिटेल्स प्रोसेस करती है आपकी फाइनेंशियल एप्लीकेशन, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिनको भी ये लाइसेंस दिया है आधार कार्ड का, उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो एंड डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। एडिशनली आधार हिस्ट्री जो है आप उसको PDF फाइल में भी सेव कर सकते हो। तो ये कम्प्लीट हिस्ट्री, ये कम्प्लीट प्रोसीजर किस तरह से हो सकता है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है इस वीडियो में। सो कम्प्लीटली इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आप आपकी आधार हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, UIDAI की वेबसाइट पे जाना है। UIDAI की वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करते हो उसके बाद आपको जाना है माय आधार में, आधार सर्विसेज में। ओके, वहाँ पे माय आधार में, आधार सर्विसेज में आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आपको नीचे आपका अब न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद आपको कैप्चा टाइप करना है एंड देन OTP जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा। यस, आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए तो ही OTP जाएगा। ये चेक उसी का है जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आके यूज़ किया गया आपका आधार कार्ड। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है। ऑथेंटिकेशन टाइप पे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाना है डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक या किस तरह के एक्सेस है। आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, कौन से पीरियड का आपको देखना है आधार कार्ड यूज़ हुआ है, कौन से पीरियड के बीच में आधार कार्ड यूज़ हुआ है। सो यू सिलेक्ट द पीरियड एज पर योर चॉइस। ओके, एंड देन पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स भी करना है। तो आज की जो डेट है आप, इसलिए मैं उसके 1 डे बिफोर मैं यहाँ पर डेट ले रही हूँ एंड उसके बाद आप नंबर ऑफ़ 50 रिकॉर्ड्स तक चेक कर सकते हो, अलाउड है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स टाइप कर लीजिए कितना चाहिए। मैंने 100 टाइप किया तो नहीं लिया, मुझे यहाँ पे 50 तक करना है। मैक्सिमम 50 आपको वन टाइम में चेक करने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो OTP आपको आया है मोबाइल पे वो OTP वेरीफाई कर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन द वेरीफाई, OTP टाइप कीजिए और वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। अगेन आप स्क्रॉल डाउन करोगे सो यू कैन सी 1, 2, 3, 4 आपके सारे जो भी आपने आधार बेस पे आपने OTP वेरीफिकेशन जो भी किया है, जो भी वेबसाइट पे किया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उनका रेफरेंस नंबर, यहाँ पे उनका नाम भी आ जाएगा, नेशनल हेल्थ एजेंसी, EPFO, ऐसे मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ किया है इस यूज़र ने, उस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे डिस्प्ले में दिख रही है। फॉर बायोमेट्रिक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रिकॉर्ड्स पे मैंने किया है, EPFO में किया है, जहाँ मेरा आधार का जो OTP एक्सेस किया गया है वो मुझे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे जो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, डाउनलोड मैं कर सकती हूँ, वो मैं डाउनलोड करके आपको बताती हूँ। नोट पे आपको दिखेगा कि आप कौन से वेरियस पर्पज़ है, इसका कोड एरर अगर आया तो क्या एरर, मतलब OTP जब भी जनरेट हुआ तो कौन सा एरर
आएगा तो क्या मतलब है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है. यू कैन जस्ट रीड लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, वो भी आप ओपन कर सकते हो कि कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक्सेस दिया है आधार बेस्ड वेरिफिकेशन. तो ये मैंने डाउनलोड किया जिस यूज़र का मैं रिकॉर्ड चेक कर रही हूँ उसके बारे में, तो उसकी इतनी बार इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाउनलोड हुई है आधार OTP बेस्ड पे वेरिफिकेशन हुआ है. तो ये PDF आप इसको सेव भी कर सकते हो. सेव करके अगर कभी आपको ऐसा लगता है आपको डिस्प्यूट रेज करना है तो आप इसके बेसिस पे आप डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक में इंक्वायरी नहीं की है फिर तो, और फिर भी आपका आधार कार्ड नंबर यूज़ किया है, तो क्रॉस चेक करने के लिए आधार कार्ड का जो प्रूफ है आप बता सकते हो. तो इस तरह से आप आपकी जो आधार कार्ड यूज़ हुई है वो डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हो. ये स्क्रीन पर मैंने लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताई है जहाँ आप जिनको ये एक्सेस है आपके आधार बेस पे आपकी इंक्वायरी करना है, आपका पैन एंड आधार मैप है कि नहीं, बहुत सारी डिटेल्स है. जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक्सेस है आधार कार्ड का जो OTP बेस से आपके फाइनेंशियल डिसीजन को प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं. डिसबर्समेंट के लिए भी होता है, कोई कोई बैंक का जैसे HDFC बैंक आपको डिसबर्स करती है उस समय पर भी अगर आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड होगा तो उससे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है. इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पे आप UIDAI के बेसिस पे कर सकते हो. तो ऐसे वेरियस इंस्टीट्यूशन हैं जो आपके डिटेल्स को यूज़ करती है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप स्टोर कर सकते हो. ये एक्सेसिबल है, आपको सिर्फ उसकी साइट को उसकी PDF फाइल को आपको डाउनलोड करना है और स्टोर करना है. तो ये जो आधार ने UIDAI ने ये सर्विस दिया है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कोई भी तरह का अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके मोबाइल में के थ्रू या आपका UIDAI आधार बेस में हुआ है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ये इन्होंने सारी एक्सप्लेनेशन दिया है, इन्होंने FAQ सेक्शंस भी दिया है जहाँ पे अगर आपको समझना है UIDAI आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है ये पूरी. अगर आपको वहाँ पे एरर आया है तो एरर का क्या मतलब है, ये सारे UIDAI के पोर्टल के हिसाब से जो भी एरर कोड का जो मतलब है वो उन्होंने डिटेल में दिया है. तो आप जब भी रेफरेंस करते हो कि मेरा आधार इस डेट पे हुआ है लेकिन अगर उस पे एरर आया है तो उस एरर का मतलब क्या है वो आप इसके थ्रू रेफ़र कर सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छा पोर्टल इन्होंने बनाया है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एंड हमेशा मंथ में 2 महीने में एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने जितनी फाइनेंशियल इंक्वायरी की है उतनी ही इंक्वायरी एक्चुअली में आधार रिकॉर्ड में दिख रही है कि नहीं दिख रही है. तो ये पर्पज़ को आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए. मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये सर्विस. ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है जहाँ से हम इंश्योर कर सकते कि हमारा जो आधार कार्ड है वो रॉन्ग प्लेस पे यूज़ ना हो, क्योंकि आज की डेट में जो है वो आधार कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे आपके फाइनेंशियल हेल्थ इनकम टैक्स सारे ट्रांजैक्शंस आपके आधार बेस्ड के थ्रू होते हैं. तो आई होप आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया है. आप इस तरह से अपने लॉक्स चेक करिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने अपने डिटेल्स चेक किया और सारी सही आई है कि नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू फॉर बीइंग विद Hany&Tech. हैव अ गुड डे अहेड.